नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम दीक्षित। मेरे चैनल टेक टिप्स एंड ट्रिक्स में दोस्तों आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं आलू की जैविक खेती के बारे में, और मैं आपको उन तीन किस्मों के बारे में दोस्तों आपको जानकारी दूंगा आज के इस वीडियो में। अगर आप दोस्तों उसकी खेती करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, लाजवाब इनकम आपकी दोस्तों उससे होती है, और बड़ी तादाद में दोस्तों आपकी पैदावार निकल के आती है उस किस्म के आलूओं की। आज मैं आपको आलू की जैविक खेती के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और तीन किस्मों के बारे में पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों कि किस तरह से उन तीन किस्मों की खेती करके आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए की दोस्तों आप कमाई कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आलू की खेती करके। तो ये दोस्तों आज का हमारा वीडियो। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के पास ही में जो बेल का बटन है उसको ज़रूर दबा दीजिए, जिससे मेरे हर एक वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हो, मैं आपको बताता हूँ आलू की जैविक खेती किस तरीके से करें, और मैं आपको उन तीन किस्मों के बारे में जानकारी बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेते हैं आलू की खेती के बारे में। कई सारे क्षेत्रों में दोस्तों आलू की खेती आज तक हो रही है, बड़े पैमाने पर दोस्तों खेती होती है, और खेती दोस्तों होना भी चाहिए और आप लोगों को दोस्तों करना भी चाहिए, क्योंकि आलू एक ऐसी सब्जी है जो साल भर खाई जाती है। ऐसा नहीं है कि अभी आप कभी देखा होगा अपनी सब्जी नहीं खाई हो आलू की, या बहुत कम बनती हो या बहुत कम मार्केट में मिलती हो। एकमात्र दोस्तों ऐसी सब्जी है जो 12 महीने यानी कि पूरे वर्ष भर आपको मार्केट में देखने के लिए मिलती है, और सबसे ज़्यादा उसी सब्जी की खपत मार्केट में होती है, इसलिए उसकी कीमत भी दोस्तों आपको मार्केट में अच्छी खासी हमेशा देखने के लिए मिलती है। तो आज हम दोस्तों जिस तीन किस्में के बारे में बात कर रहे हैं वो दोस्तों तीन किस्में कुफरी ज्योति, कुफरी अशोका और कुफरी जवाहर। ये तीन जो नाम है दोस्तों इस आलूओं के, आप चाहे तो मार्केट में इसके बारे में पता कर सकते हैं। बा कमाल वैरायटी के दोस्तों इन आलूओं की, और मार्केट में हमेशा दोस्तों अच्छी कीमत पे आपको ये दिख जाते हैं। अगर आप इनको कभी खरीदेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में अभी जो कुफरी जवाहर है, कुफरी अशोका है, कुफरी ज्योति है, इसकी कीमत मार्केट में क्या चल रही है। बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी में दोस्तों इसको सप्लाई किया जाता है, और बड़े पैमाने पर इससे मोटी कमाई दोस्तों की जाती है। इस तरह का आलू आपको इंडिया में मेट्रो सिटीज़ में ही देखने के लिए मिलता है। अब इसकी दोस्तों पैदावार कितने दिनों में होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये महज 75 से 80 दिनों के अंदर पूरी तरीके से दोस्तों कंप्लीट फसल तैयार हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ 75 डेज से लेके 85 डेज के बीच में, यानी कि 75 से 85 दिनों के बीच में पूरी तरीके से दोस्तों इसकी फसल दोस्तों तैयार हो जाती है। चाहे आप कुफरी ज्योति की फसल करें, या कुफरी अशोका ही करें, या कुफरी जवाहर की दोस्तों आप करें। और इसके कितने बीजों की ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। प्रति एकड़ आपको 10 क्विंटल बीजों की ज़रूरत पड़ती है, वो भी अंकुरित। आप चाहे तो मार्केट से बीज ला करके उनके पानी में गला करके उनको अंकुरित कर लीजिए, इसके बाद दोस्तों ज़मीन में बोना आप शुरू कीजिए। आपकी ज़मीन में नमी बनी रहनी चाहिए, गोबर की खाद का विशेष रूप से दोस्तों इस्तेमाल आपको करना। लगभग 100-150 किलो आप प्रति एकड़ में गोबर की खाद का इस्तेमाल करिए। कोई सी भी आप खेती कर रहे हैं और आपको अपनी खेती की पैदावार को दोस्तों बढ़ाना हो, खेती में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना उठानी हो आपको, तो गोबर की खाद का आपको दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अपनी खेतियों में गौमूत्र का भी छिड़काव कर देंगे दोस्तों तो किसी भी तरह की आपकी खेती में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतनी बढ़िया और शानदार खेती निकल करके आएगी कि आपको भी विश्वास नहीं होगा कि हाँ वाकई में गोबर की खाद और गौमूत्र का इस्तेमाल करने से इतनी बढ़िया खेती निकल करके आती है। 10 क्विंटल बीजों की ज़रूरत पड़ती है, वो भी अंकुरित। अब मार्केट से बीज लाकर उनको पानी में गलाकर अंकुरित कर लीजिए 4 से 5-10 दिन के अंदर। इसके बाद दोस्तों इसकी बुवाई शुरू कर दीजिए। प्रति एकड़ में दोस्तों इसकी शुरुआत आपको करना है। उसकी पैदावार जो मैं आपको बता देता हूँ तीनों वेराइटियों की, यानी कि कुफरी ज्योति, कुफरी अशोका और कुफरी जवाहर की जो पैदावार होती है वो लगभग 45 टन से लेकर 65 टन तक इसकी पैदावार निकल करके आती है। अब आप इस बात से दोस्तों अंदाज़ लगा सकते हैं कि एक एकड़ में 45 से 65 टन तक दोस्तों इसकी पैदावार निकल करके आ रही, तो दोस्तों आपकी कमाई कितनी इससे होगी। अब इस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि 45 से 65 टन तक पैदावार निकल करके आ रही है एक एकड़ में, तो आपकी दोस्तों इससे कमाई कितनी होगी। बहुत ही बढ़िया और शानदार किस्म की दोस्तों ये आलू की वेराइटियाँ हैं, कुफरी ज्योति, कुफरी अशोका, कुफरी जवाहर। बहुत ही बढ़िया और शानदार दोस्तों आपके लिए खेती साबित हो सकती है इन तीनों किस्मों की, अगर आप आलू की खेतियों के बारे में दोस्तों सोच रहे हैं। ज़्यादा कोई दोस्तों समय नहीं है कि ज़्यादा टाइम लग रहा हो आपकी फसल तैयार होने में, महज 75 से 85 दिनों के अंदर पूरी तरीके से दोस्तों फसल तैयार हो जाती है। आजकल ऑटोमेटिक दोस्तों मशीनें आ रही हैं जो डायरेक्ट आपके आलूओं को निकाल देती है, और सीधे आपके ट्रैक्टर के ट्रॉली में भर के आप सीधे मंडियों में ले जा करके उनको बेच सकते हैं।
तो बहुत ही बढ़िया और शानदार तीन किस्म की दोस्तों आज मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है आलूओं की। अगर आप आलू की खेती के बारे में सोच रहे हैं या पहले कभी आपने की है ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं हुआ, तो इन तीनों वेराइटियों में से किसी एक की आप खेती करके देख लीजिए। मेरी इस बात की गारंटी आप याद रखेंगे मुझे कि हाँ वाकई में कोई चीज़ किसी ने हमको बताई थी जिससे हमारी अच्छी पैदावार निकल करके आई है और हमारी कम लागत में हमको एक अच्छी खासी मोटी कमाई दोस्तों हुई है आलू की खेती करने पर। बहुत सारे लोग दोस्तों देखे होंगे आपने एक आध एकड़ में इस तरह की खेती करके वो 12-15 लाख 20 लाख 18 लाख 10 लाख इस तरह की दोस्तों कमाई करते हैं। आपने कई बार वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे या नेट पर सर्च किया होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, तो वो इन्हीं किस्मों की दोस्तों खेतियों के बारे में जानकारी निकालते हैं और इसी तरह की खेतियों को करने के बारे में सोचते हैं और वो करते हैं, तब जाके वो मोटी कमाई दोस्तों कर पाते हैं। नॉर्मल अगर आप आलू की खेती करते हैं तो वही आपकी जो इनकम होती है जो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर आप जो दो तीन किस्म जो मैंने आपको बताई हैं कुफरी ज्योति, कुफरी अशोका, कुफरी जवाहर, अगर इसमें से किसी एक की भी अगर आप खेती करते हैं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं दोस्तों आप लखपति नहीं करोड़पति बन जाएंगे। एक बार प्रति एकड़ में दोस्तों इस खेती को ट्राई करिए, इसके बाद जितने एकड़ में आप करना चाहें उतने एकड़ में आप इसको खेती कर सकते हैं। इस बात की मेरी गारंटी आप बहुत अच्छी मोटी कमाई दोस्तों करेंगे। मेरे कई सारे रिलेटिव ऐसे हैं यूपी में बहुत सारी इनकम दोस्तों कर रहे हैं इस तरह के किस्मों की आलूओं की खेती करके दोस्तों। कुफरी जवार, कुफरी अशोका, कुफरी ज्योति बहुत ही ज़बरदस्त वेराइटी है दोस्तों आलू की। जैसे ही मैंने आपको बताया मेट्रो सिटी में बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलता है इस तरह का आलू। मार्केट में कीमत भी दोस्तों आपको इसी अच्छी खासी देखने के लिए मिलती है। 45 से 65 टन तक दोस्तों इसकी पैदावार हो रही है। महज 10 क्विंटल बीज आपको लग रहे हैं लागत के लिए। 75 से 85 दिनों के अंदर पूरी तरीके से दोस्तों फसल तैयार हो जाती है और आप मार्केट में सीधे ले जा करके बेच सकते हैं। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया आलूओं की तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटियों के बारे में। अगर आप उसकी खेती शुरू कर देंगे तो आप बहुत कम समय में ही दोस्तों लखपति नहीं करोड़पति बन जाए। अगर आपको दोस्तों मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसी तरह के दोस्तों वीडियोस मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब के पास ही में जो बेल का बटन है उसको ज़रूर दबा दीजिए, इससे मेरे हर एक वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। नमस्कार, जय श्री राम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।